हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए दाल मखनी की रेसिपी लेके आई हूँ। यूजुअली जो ट्रेडिशनल ऑथेंटिक दाल मखनी है उसको बनाने के लिए एक स्लो कुकिंग का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जैसे कि रात भर उसको बनने के लिए रख दिया जाता है। पर मैं इस वीडियो में आपको वही टेस्ट कंपेरेटिवली क्विकर बट नॉर्मल टाइम में आपको दिखाने वाली हूँ। सो चलिए देखते हैं कैसे बनती है हमारी दाल मखनी ऑथेंटिक नॉर्मल टाइम में। आप देख सकते हैं कि कितनी लाजवाब लग रही है ये दाल मखनी की रेसिपी। बहुत सिंपल से मसाले इसमें यूज़ किए हैं, सिंपल सा प्रोसेस है और टेस्ट बहुत ऑथेंटिक, बहुत यूनिक है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको कौन कौन से मसालों की पहले से ज़रूरत है। सबसे पहले हम 1.5 कप के करीब काली दाल ले लेंगे। उसके बाद में 1 कप के करीब वाइट विनेगर लेके उसमें अब इसको अच्छे तरीके से धोएंगे, मसल मसल के अच्छे तरीके से धोएंगे, जब तक उसका पानी पानी में वो सारा ब्लैक जो है कलर है वो नहीं आ जाता। जो विनेगर है वो एक नेचुरली क्लीनिंग एजेंट है, इसको आप अपनी दूसरी सब्जी धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ डर्ट को रिमूव करता है बल्कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी स्प्रे होती है सब्जियों पर, वो भी क्लीन करने में उसकी हेल्प करता है। तो अभी जो काली दाल है उसमें पॉलिश होती है, तो वाइट विनेगर मेक श्योर करता है कि मतलब अच्छे तरीके से उसको रिमूव कर दे, ताकि उसमें वो टेस्ट जो हमको चाहिए ऑथेंटिक वाला एक्चुअल टेस्ट दाल का वो उभर के आए। तो सबसे पहले इससे धोएंगे। अब देख सकते हैं आप इसका पानी कितना मैला हो गया है। तो अब इस पानी को हम लोग चेंज करेंगे। अब इसको सिंपल पानी से ही धोएंगे और उसको बार 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 चेंज करते रहेंगे जब तक पानी साफ नहीं आने लग जाता। अभी आप देख सकते हैं कि पानी क्लीन हो गया है। अभी 1 कप से थोड़ा सा कम राजमा ले लेंगे और उसको भी हम वाइट विनेगर में धो लेंगे अच्छे से। तो अभी इसमें कम टाइम लगेगा क्योंकि ये काली दाल की तरह अपना रंग नहीं छोड़ता। अभी इसको रात भर के लिए भिगोना रख देंगे। यहाँ पे आप इसको अलग अलग से भिगो सकते हो राजमा और काली दाल को, क्योंकि राजमा को हम बाद में मैश करने वाले हैं, उसके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है। I didn't realize it at that time, पर आप इसको अलग अलग से भिगोना। 8-10 घंटों के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लग जाता है। तो अभी हम इसमें पानी डाल के उबाली देंगे। उबाली देने के बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर कुछ ऐसा और इकट्ठा हो जाएगा। तो अब इसको बार बार ड्रेन करेंगे, दोबारा दोबारा पानी डालेंगे जब तक ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता पानी अगैन। टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है ये प्रोसेस, बट टेस्ट के आगे ये वर्थ है। अब पानी क्लियर हो गया, अभी प्रेशर कुक करेंगे। 7-8 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, जैसे भी आपका टेस्ट हो। मुझे लहसुन ज़्यादा पसंद है इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ। फिर 1 देगी मिर्च का चम्मच और 1 चम्मच घी का। उसके बाद इंस्टेंट पॉट में प्रेशर कुक में करूँगी इसको 8-9 फिसल्स के लिए। चार टमाटर की हम प्यूरी बना लेंगे अच्छे से। अभी पैन तैयार कर लेंगे, उसमें घी डालेंगे और बटर डालेंगे। अब पहले से बता रही हूँ कि बटर इसमें काफ़ी ज़्यादा डलेगा क्योंकि इसका नाम ही दाल मखनी है। सो कैलोरीज बहुत होगी, इस बात का पहले से ध्यान रखें। 1 चम्मच अब हम जिंजर डालेंगे और 1.5 चम्मच के करीब मैंने गार्लिक डाला, और उसके बाद में स्लिट की हुई 4 हरी मिर्चें। अभी इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे। अभी हम इसको धीरे धीरे से चलाएंगे। इसको हल्का सा ब्राउन करना है, चलाना नहीं है,
ध्यान रहे। तो आई वुड से कि मीडियम से लो फ्लेम सही रहेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सड़ेगा नहीं, तो चलाते रहेंगे तो सही रहेगा। अभी 3 इलायची लेंगे और इसको मसल के उसमें डालेंगे मसाले। अभी हम इसको चलाते रहेंगे जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो अभी थोड़ा सा कलर बदलने लगा है, चलाते रहेंगे। अब ये कलर लाइट ब्राउन एग्जैक्टली। अब इस स्टेज पे हम लोग इसमें प्यूरी डालेंगे, साथ में 1 चम्मच पेस्ट डालेंगे टमेटो का, देन नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। पहले हाई फ्लेम पे पका लीजिए, फिर उसके बाद में मीडियम कर दीजिए, पर चलाते ज़रूर रहिए ताकि नीचे ना लगे। अब आप देख सकते हैं इसका घी और बटर बाहर ऊज आउट होने लगा है। तो ये स्टेज है जब हम इसमें दाल डालेंगे। अब हम गार्लिक एंड राजमा को स्क्वश करेंगे। अब 1 चम्मच के करीब अपना मिर्च डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार, और उसके बाद में बटर डालेंगे। अब जो पहले हमने देगी मिर्च डाली थी वो सिर्फ कलर के लिए होती है, उसमें इतना तीखापन नहीं होता, तो अब जो है वो टेस्ट के लिए डाली है। तो अभी इसको बार बार अभी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए चलाते रहेंगे। अब ये जो राजमा दिख रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं दिखने चाहिए दाल में, इसीलिए अगर आप भी मेरे तरीके से बना रहे हो तो मैश करते चलिए साथ साथ में, जैसे भी पॉसिबल होता है आप उसको मैश कर दीजिए। इतने नहीं दिखने चाहिए राजमा। तो देख सकते हैं आप कितना कंसिस्टेंसी में फ़र्क आ गया, अब उतने राजमा दिख भी नहीं रहे हैं। तो चलाते रहेंगे फिर से। इस कंसिस्टेंसी पे अब हम इसमें क्रीम या जो घर का बना हुआ बटर होता है वो डालेंगे। तो मेरे पास क्रीम नहीं थी, बटर था घर का बना हुआ, तो मैं बटर डाल रही हूँ। तो ये जो इसको लाजवाब लुक देगा, ओह माय गॉड, दैट्स माउथ वाटरिंग। सी, आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बटर हर पात पे बटर, बट गाइस आई कैन नॉट एम्फेसाइज दिस इनफ कि ये दाल मखनी है और इसमें बहुत बटर डलेगा। अभी ये एंड पे हम अपना स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे, भुनी हुई फ्रेश मेथी। अभी आपके पास कसूरी मेथी होगी ना, उसको आपको तवे पे भूनना है, हल्का सा रोस्ट करना है। और इसमें इसके डालने के बाद कलर में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, और टेस्ट में तो आई कैन नॉट इवन टेल यू क्या बदलाव डालेगा ये टेस्ट में। सो दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ लाइक अ गेम चेंजिंग इंग्रेडिएंट। अब हमारी दाल बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी में और इसके कलर में कितना फ़र्क आ गया है। तो इस दाल को आप रोटी के साथ, लच्छा पराठा के साथ, नान के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हो। मुझे ये रोटी के साथ ज़्यादा पसंद है। ये गेस्ट को सर्व करने के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आपके घर पे 10-15 गेस्ट आ रहे हैं तो आप इस क्वांटिटी के साथ इजीली उनको सर्व कर सकते हैं। इमेजिन आप 10-15 लोगों के लिए रेस्टोरेंट से ये सेम दाल लेके आते हैं, कितना एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो अगर आप ये दाल घर पर बनाएँ, ईजी से इन्ग्रीडियंट्स तो ईजी, आई नो प्रोसेस इज़ लॉन्ग, बट टेस्ट के मुकाबले कितने इजी से इंग्रेडिएंट्स हैं और कितना अच्छा वो रिजल्ट्स देते हैं, यू कैंट इमेजिन। सो घर पे बनाइए, आप खुद खाइए, दूसरों को खिलाइए, एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस डिश, इट्स सिंपली अमेजिंग। अभी इसको आप सर्व करने के लिए इसके ऊपर आप कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है। अगर आप इस डिश को घर पे ट्राई करते हैं तो आई वुड लव टू नो कि कैसी बनती है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।